हेलो गाइस, मेरा नाम विगत मोरे है। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर। सो गाइस, ये कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है और ये इसमें अभी मैं बेसिक पावर सप्लाई लगाता हूँ उसमें, और मैं इसे ऑन करके देखूँगा। मैं इसमें डीसी सप्लाई लगाता हूँ, फिर इसमें ऑन करके देखूँगा। ये लाइट आ गई है और ये कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें अंदर मदरबोर्ड पे शॉर्टिंग है, तो इसमें मैं इसे ओपन करके देखूँगा कहाँ इसका शॉर्टिंग है। और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और मैं सबसे पहले मैं इसकी बैटरी निकालता हूँ। बैटरी निकाल ली है। मैं इसके सारे जितने स्क्रू हैं वो इसके ओपन कर दूंगा। वन बाई इसे खोल लेना है, और खोलने के बाद इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं इसे इसमें चेक करूँगा। आप भी इसी हिसाब से कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो गाइस, मेरा नाम विगत मोरे है। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर। सो गाइस, ये कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है और ये इसमें अभी मैं बेसिक पावर सप्लाई लगाता हूँ उसमें, और मैं इसे ऑन करके देखूँगा। मैं इसमें डीसी सप्लाई लगाता हूँ, फिर इसमें ऑन करके देखूँगा। ये लाइट आ गई है और ये कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें अंदर मदरबोर्ड पे शॉर्टिंग है, तो इसमें मैं इसे ओपन करके देखूँगा कहाँ इसका शॉर्टिंग है। और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और मैं सबसे पहले मैं इसकी बैटरी निकालता हूँ। बैटरी निकाल ली है। मैं इसके सारे जितने स्क्रू हैं वो इसके ओपन कर दूंगा। वन बाई इसे खोल लेना है, और खोलने के बाद इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं इसे इसमें चेक करूँगा। आप भी इसी हिसाब से कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी हिसाब से ये हार्ड डिस्क का है कवर है, तो हमें इसको भी इसी हिसाब से निकाल लेना है। और जो भी पेच लगा है एप्पल लगा है, मैंने देखा नहीं इसे। और इसके सारे जितने भी पेच है वो सब ओपन कर लिए हैं, और मैं इसे का डीवीडी राइटर निकालता हूँ। इसके डीवीडी राइटर के नीचे ये तीन स्क्रू, मैं इनको भी निकाल लेता हूँ।
से इसका कीबोर्ड निकालता हूँ। ये निकालना के अंदर पेच लगे हुए हैं और हमने इस कीबोर्ड को भी रिमूव कर दिया। उसके बाद ये इसको भी रिमूव कर दिया और जो स्क्रू है इन्हें हमें इन्हें निकालते हैं अभी। फिर ये आसान तरीके से निकल जाएगा इसका जो पैनल है। हमें वन बाई वन इनके लिए निकाल लेना है। स्पीकर वाले में खोल लेता हूँ। मैं इस डिस्प्ले केबल के लिए निकाल दिया है और ये वाईफाई का ये वायर है, मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। अब ये डिस्प्ले पैनल बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब मैं इसके लिए खोलूंगा। से भी निकाल दिया है, इसे भी निकाल लेना है। और बाकी ये है डीवीडी राइटर का कनेक्टर, इसे भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड निकल चुका है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग भी इस तरीके के लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। डालोगे उसमें बताऊं।